वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स इनसाइड विद तलाल डार। और आज इंडिया के लिए तमाम ही रैकेट स्पोर्ट्स में बहुत ही बेहतरीन दिन साबित हुआ, बहुत ही बढ़िया दिन साबित हुआ, क्योंकि कुछ देर पहले टेबल टेनिस में इंडिया की जो ओहिका मुखर्जी और सुथीरता मुखर्जी थी, उन्होंने चाइना के वर्ल्ड नंबर 2 पेयर को हरा दिया और सेमीफाइनल में पहुँच गए हैं। और उन्होंने इंडिया का पहला एशियन गेम्स टेबल टेनिस का मेडल कन्फर्म कर लिया है। और इसके साथ साथ आपको पता है स्क्वाश में जिस तरह से आज इंडिया ने पाकिस्तान को हराया, रोहन बोपन्ना और ऋतुजा भोसले ने बड़ी कामयाबी हासिल की। और इसके अलावा बैडमिंटन में इंडिया को 2-1 से लीड मिली है साउथ कोरिया के खिलाफ सेमीफाइनल में, वो भी मेरे ख्याल से इंडिया फाइनल में पहुंचने वाला है, क्योंकि HS प्रणॉय अपना मैच जो डिफ़िकल्ट मैच था वो जीत गए। उसके बाद डबल्स में चिराग शेट्टी और रैंकी रेड्डी बेशक हार गए, लेकिन लक्ष्य सेन काफ़ी इजी मैच जीते। और आखिरी मैच मेरे ख्याल से श्रीकांत किदंबी भी इजीली जीत जाएंगे, क्योंकि उनके ओपोनेंट साउथ कोरिया के वो टॉप 100 में भी नहीं है। तो मेरे ख्याल से इंडिया को एक और कामयाबी मिलने वाली है आज। तो रैकेट स्पोर्ट्स में बड़ा अच्छा दिन चल रहा है। अब हॉकी देखना है, इंडिया का मैच पाकिस्तान के साथ शुरू हो चुका है कि वो मैच कौन जीतेगा। मेरे ख्याल से उस मैच में भी इंडिया फेवरेट है। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग गेम्स हो रहे हैं। मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिए, ताकि ऐसे ही आपको तमाम स्पोर्ट्स की अपडेट मिलती रहे। और अगली वीडियो में आपसे फिर बात होगी, तब तक ख्याल रखिएगा।